अस्सलाम वालेकुम कामरान यूबी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है हमारी जो गुज़िश्ता वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी। हमारी काविश आप लोगों का प्यार हमें कमेंट सेक्शन में मिलता रहता है, उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज एक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग भी कह लें और एक आम फहम जबान में एक बात बहुत आम डिस्कस होती है कि आखिरकार क्या राज है कि खाना काबा के ऊपर से जहाज या कोई परिंदा नहीं गुजर सकता। नॉर्मल यूजुअली हम जब ये बात कर रहे होते हैं तो हमें एक ही बात की जाती है कि क्योंकि ये जमीन के सेंटर पॉइंट पे है खाना काबा, इसलिए वहां पे कमियत तो रहती है लेकिन वजन जीरो हो जाता है। अगर साइंस से नो हाउ है आपकी तो एक छोटी सी चीज के स्पेस में आपका वजन जीरो हो जाता है, कमियत रहती है। मतलब वजन की अगर हम डेफिनेशन ले तो वो फोर्स जो जमीन कशिश सकल अपने तरफ खींचती है उसको मापने को वजन कहते हैं, और जो एक्चुअल हमारा वेट जिसको कहते हैं वो कमियत है हमारी, वो चाहे स्पेस पे हो जमीन पे एक जैसी रहती है। पर हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक ये है कि ये क्या राज है इस चीज के पीछे कि खाना काबा के ऊपर से कोई चीज नहीं गुजर सकती। अगर कोई चीज गुजरती है तो गायब हो जाती है, अगर कोई जहाज वहां से गुजरता है तो जल जाता है। और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, साइंस की रिसर्चेस क्या हैं खाना काबा के ऊपर गुजरने को लेके, और आखिर क्यों रूटीन में ये नहीं देखा गया कि कभी खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज वगैरह गुजरा हो। आज इस वीडियो में हम इसकी वजूहात आपको बताएंगे और इंटरेस्टिंग इसलिए भी कहेंगे कि आम फहम जबान में हमारे साथ ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये चीजें डिस्कस होती रहती हैं कि ऐसा क्यों है। तो वहां पे इसकी जो सबसे कहते हैं बड़ी वजह, पहले हम उस चीज पे आते हैं कि कहते हैं कि खाना काबा जमीन के सेंट्रल में वाकई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जमीन हमारी एक गोल सी बैजवी शक्ल की जमीन होती है, और कभी भी गोल या बैजवी जो है जो भी चीज होती है गोल या बैजवी, उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता। मतलब आप गोल चीज को अगर पकड़ें तो उसका सेंटर पॉइंट आप नहीं निकाल सकते। हाँ कोई चीज फ्लैट हो तो फ्लैट का आप सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये बात तो नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि जब इस जमीन को तख्लीक किया जा रहा था और उसके ऊपर सबसे पहली जगह जो है वो खाना काबा यानी मक्का मुकरमा को मुख्तस किया गया था, और ये साइंसी तहकीक ने ये बात साबित भी की है कि वो जमीन जब तख्लीक हुई तो उसकी सबसे पहली जगह वो बनी थी। तो बेसिक वजह तो ये साइंस ने साबित कर दी। अब दूसरी बात कि क्या वजह है कि उसके ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, तो सऊदी सिविल जो एविएशन अथॉरिटी है वो कभी भी खाना काबा या मक्का मुकरमा के ऊपर से जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं देती, वो नो फ्लाई जोन है। इसके पीछे बहुत सारी वो वजूहात बताते हैं। सबसे पहले एक कि अगर जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजरेगा तो वो वहां पे इबादत करने वाले लोगों की इबादत में खलल डालेगा, नंबर एक। नंबर दो, खाना काबा के अंदर वैसे भी मुशरिकीन मक्का का दाखला ममनू है, तो एक ये भी बात मानी जाती है कि जब जहाज वहां से गुजरेगा तो हो सकता है उसके अंदर गैर मुस्लिम या मुशरिकीन मक्का हो, तो इसलिए वो पूरा एरिया नो फ्लाई जोन है। और वो यहां से सऊदी उमरा के हज के लिए भी जाता है तो उसे रियाज लेके जाया जाता है, और रियाज से फिर उसको मूव करवाया जाता है ट्रेन और बसेस के जरिए। इसके अलावा सऊदी जो हुकाम है, एक तो ये वजह होगी, दूसरा हर उस इलाके में जहां पे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहां पे नो फ्लाई जोन होता है, तो ये एक बड़ी वजह है कि वो नो फ्लाई जोन क्यों है। क्योंकि अगर ऐसे में अगर कोई जहाज को हादसा पेश आता है और वो वहां गिरता है तो एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। और उसके अलावा भी एक सबसे बड़ी वजह जिसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने सबको एक वार्निंग जारी की है कि नो फ्लाई जोन है, अगर इस खाना काबा की हदूद में यानी मक्का मुकरमा की हदूद में कोई जहाज लाया गया तो उसे मिसाइल मार के गिरा दिया जाएगा। वो वजह यह है कि हो सकता है
कि दहशत गर्द कोई, और एक वजह यह है कि हो सकता है कोई दहशत गर्द इस जहाज को हाईजैक कर ले और मक्का मुकरमा के यानी खाना काबा के ऊपर ला के उसको क्रैश कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बन सकता है। तो यूजुअली जो एक हकीकत है वो ये है कि जिसकी वजह से खाना काबा के ऊपर नो फ्लाई जोन है और वहाँ से जहाज़ नहीं गुजर सकता। कैसे आ रही हैं, पहले मुझे भी यही था कि इसके ऊपर से सेंटर पॉइंट पे है, इसके ऊपर से कोई जिससे गलती है उसका वजन ज़ीरो हो जाता है, कमियत रहती है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं इस टाइप का। बट ये नहीं है, जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो इसकी वजाहत दी है वो बड़ी क्लियर है को किस वजह से ये नो फ्लाई जोन का एरिया, और साइंस ये सबात साबित कर चुकी है कि इस ज़मीन का सेंटर पॉइंट कोई नहीं होता। हाँ, ये मुकद्दस जगह जब ज़मीन को तख्लीक किया तो सबसे पहले ये जगह बनाई गई, ये साइंस ने साबित किया है। तो उम्मीद है ये फैक्ट आपको पसंद आया होगा, हमारी इस काविश को आपको पसंद आई होगी। अगर ये हमारी काविश आपको पसंद आई है तो इस पर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाएं और कोई मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाएं या फैक्ट्स भरी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो कामरान यूबी को दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।